हाय एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्कीन्स का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आज हम हेलो एल्कीन्स की बजाय क्या पढ़ने वाले हैं, हेलो एरीन्स, क्योंकि हेलो एल्कीन्स वाला काफी ज्यादा पार्ट, ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने आपको कवर करा दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरा हेलो एरीन, विच इज बेंजीन कंटेनिंग अ क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, है ना, कुछ भी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना दो टाइप के रिएक्शंस हम कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे हेलो एरीन्स के अंदर हम क्या क्या रिएक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहले या तो मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराऊं, या फिर मैं करा सकती हूँ इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो मैं इस पे दो तरह के रिएक्शंस करा सकती हूँ, या तो न्यूक्लियोफिलिक कराऊ या फिर मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कराऊ। ठीक है, तो अगर मुझे कराना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरा इलेक्ट्रोफाइल कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, तभी तो वो वहां पे अट्रैक्ट करेगा और वहां पे जाके लग जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, या फिर मेरे पास अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसका मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल को हटाओ दूसरा न्यूक्लियोफाइल जाके लगा दो, है ना। तो यहाँ पे मुझे इस पूरी बेंजीन रिंग के अंदर क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल मुझे दिख रहा है, मेरा न्यूक्लियोफाइल है क्लोरीन। तो मतलब अगर मैं क्लोरीन को रिप्लेस करके कोई नया न्यूक्लियोफाइल लगा दूं, तो मैं उसे क्या कहूंगी, न्यूक्लियोफिलिक काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चंस भी समझेंगे, जो जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर वो समझेंगे, और पूरे चैप्टर के एंड में मैं आपको करवाऊंगी कन्वर्जेंस। ठीक है, ताकि आपका बेस इतना मजबूत हो जाए ना कि आप कन्वर्जन देखते ही समझ जाओ कि होने क्या वाला है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर देखो मुझे क्या दिख रहा है, ये जो बेंजीन है और इसके ऊपर एक क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर वाटर, ठीक है, या फिर NaOH डालूं, ठीक है, और NaOH में मुझे क्या दिख रहा है कि OH जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, है ना। तो यहाँ पे मैंने लगाया सर्कल और मैंने OH की Cl की जगह क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे इसे 673 केल्विन इतना हाई टेम्परेचर चाहिए होता है तब जाके ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। मतलब जब मैं इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराऊंगी तब जाके मुझे ये रिएक्शन मिलेगा। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस वजह से हो रहा है कि जब मैं इसके अंदर इतना टेम्परेचर डालूं तब जाके ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप हर बच्चे को यहाँ पे रेजोनेंस तो आती ही होगी, अगर नहीं आती है तो मैं इस टेक्निक से आज आपको क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी समझा दूंगी, क्योंकि एग्जाम में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को पक्का 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 आता है। ठीक है, तो चलो अगर देखते हैं भाई इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इसको इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए, भाई क्यों चाहिए इसको इतना टेम्परेचर, तो वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो हम चलते हैं इसके रेजोनेंस की तरफ। ठीक है, देखते हैं, ये रहा मेरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मुझे पता है कि क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं बताओ, क्लोरीन के पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में। उसका एक इलेक्ट्रॉन तो उसने कार्बन के साथ पार्टिसिपेशन में लगा दिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग है भाई, और बाकी 3 लोन पेयर्स की तरह बचे हुए हैं। तो क्लोरीन क्या है, उसके पास एक तो माइनस आई इफेक्ट है, खींचेगा भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से खींच लेगा, लेकिन उसके बावजूद उसके पास लोन पेयर है जिसकी वजह से इसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो चलो इसका रेजोनेंस बनाते हैं। हमने इसका रेजोनेंस बनाया तो ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो होगा क्या, ये होगा डबल बॉन्ड। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जिनको आपने तकलीफ नहीं दी उन्हें आप बिल्कुल टेंशन में नहीं डालोगे, ठीक है। मतलब जिन डबल बॉन्ड्स के साथ मेरा कोई काम नहीं है मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, ठीक है। तो क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है मैं उसे दूंगी 1, सेकेंड कार्बन को दूंगी 2, ठीक है, उसके डायरेक्टली अटैच वाले को, और इसको दूंगी 3। तो सिर्फ 3 कार्बन जो होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होंगे, बाकियों को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो मैंने इसे और इसे डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड इसके पास आएगा तो ये जो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये भी तो शिफ्ट हो जाएगा और ये बनाएगा कार्बन पे नेगेटिव। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो बनेगा क्या, जरा देखो ध्यान से। अगर ये मैंने बेंजीन लिया और यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था और एक और क्लोरीन की वजह से डबल बॉन्ड आ गया तो देखो कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है जब इससे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये नेक्स्ट कार्बन से भी डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बना रहा है, तो देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन ने हमारे 5 बॉन्ड बना दिए। लेकिन कार्बन के पास तो भाई इतनी जगह ही नहीं है, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, वो तो टेट्रावेलेंट होता है। तो हमें अपने कार्बन की वैलेंसी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। इसीलिए 3 लोग इन्वॉल्व करने हैं आपको और आपको अपने डबल बॉन्ड को घुमाना है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको घुमा के देखते हैं भाई, देखिए जरा। अब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। और ये कार्बन जो है डबल बॉन्ड लेके यहाँ पे बनाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब मैं फिर से ये नेगेटिव लिया मैंने 1, ये लिया मैंने डबल बॉन्ड 2 और ये लिया 3, ठीक है। अब मैं बाकी लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं एज इट इज पहले जिन्हें मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मैं उन्हें बना देती हूँ, इसे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और इसे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, देखो ये लोन पेयर गया था अंदर और ये डबल बॉन्ड बना था नेगेटिव, ठीक है। फिर से ये नेगेटिव जाएगा डबल बॉन्ड बनाने और ये डबल बॉन्ड बनाएगा क्या, नेगेटिव, किस पे, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। इस वाले कार्बन पे इसने क्या बनाया, नेगेटिव, ठीक है। तो हमने बनाया यहाँ नेगेटिव और इस 1, 2 पे आ गया डबल बॉन्ड। कुछ नहीं करना, क्या आएगा पता है, 1, 2 पे आएगा डबल बॉन्ड और 2 वाले कार्बन पे, 3rd वाले कार्बन पे आएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये सिंपल ट्रिक है। 1, 2 को काउंट करो, 1, 2 पे लगा दो डबल बॉन्ड, 3rd पे लगा दो नेगेटिव चार्ज जब भी लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा आपके बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, तब उस केस में, ओके। अब देखो फिर से मैंने इसको बांध दिया, फिर 2 और ये 3, फिर से 1, 2 पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। चलो बनाते हैं 1, 2 पे डबल बॉन्ड, बिल्कुल एरो बिल्कुल सही बनाना है, 1, 2 पे डबल बॉन्ड बनाना है ना मुझे, तो ये नेगेटिव को मैं 2 बॉन्ड के बीच में दिखाऊंगी और ये जो डबल बॉन्ड है ये मुझे 3rd कार्बन पे नेगेटिव बनाना है, तो मैं 3rd कार्बन पे ठीक एरो बनाऊंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड एज इट इज कुछ नहीं छेड़ना, ये नेगेटिव बना डबल बॉन्ड और 3rd पोजीशन पे आ गया नेगेटिव, ठीक है। फिर से 1, 2, 3, 1, 2, 3, जब तक आपका स्टार्टिंग मटेरियल आपको नहीं मिल जाता तब तक आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चलते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा भाई, फिर से 1, 2, 3 करना है ना हमें, 1, 2, 1, 2 पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, बीच में एरो बनाया और 2, 3 का 3 पे वापस इलेक्ट्रॉन, तो 3 पे एग्जैक्टली एरो बनना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं करना भाई, ठीक है। ये बनाएगा डबल बॉन्ड, बना लिया, क्लोरीन पे क्या आ गया, लोन पेयर्स वापस। देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, ये रहा आपका 1, यहां से शुरू किया हमने, ये 2 है ना, ये 3 और ये 4, 5th तो बिल्कुल सेम है 1 की तरह, तो मैं इसको तो काउंट करूंगी ही नहीं क्योंकि वो तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। अब मैं कहना चाहती हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन के लिए हमने इतना टेम्परेचर क्यों डाला। तो अब समझते हैं भाई क्यों डाला। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जब भी रेजोनेंस होगा तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ रहा है भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में। ड्यूरिंग रेजोनेंस मैं पार्शियल बोलूंगी ना बेटा इसे, क्यों, क्योंकि एंडिंग में तो ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए टेम्पररी बेसिस के लिए पार्शियली देयर वी कैन सी कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, ठीक है। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, हमारे कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर आ रहा है बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन मेक्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन मेक्स ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड हाईली, या फिर सिंपल लिख सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से हम इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत पावरफुल हो जाएगा भाई। एक सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना या एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना, सोचो कि बताओ मुश्किल है ना, है ना, मुश्किल है। इस वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेना पड़ रहा है। सो ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड रिक्वायर हाई एनर्जी, है ना। मुझे क्या देना पड़ेगा, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना बेटा, बहुत ज्यादा मुझे क्या देना पड़ेगा, हाई एनर्जी। मतलब एक रीजन तो ये हो गया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है पार्शियली, इसकी वजह से मुझे इस बॉन्ड को बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेकिंग के लिए, है ना। दूसरा रीजन क्या आ रहा है, मुझे दिख रहा है इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में अभी sp3 कैरेक्टर है। अभी क्या है इसके अंदर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp3। अब सोच के बताओ जितना कम s कैरेक्टर होता है sp3 के अंदर आपका s कैरेक्टर कितना होगा। अगर मैं काउंट करूं sp3 में तो एक s है और तीन p है ना, ओवरऑल 100 है ना, तो एक s कितना हो गया 25% है कि नहीं। अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड कर दूं तो एक एक का परसेंटेज कितना आएगा भाई, 25 आएगा ना। तो इसका मतलब है कि s कैरेक्टर यहाँ पे 25% है, और s कैरेक्टर किसी के अंदर जितना कम होता है उस बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हो। क्यों भाई, क्योंकि s कम तो न्यूक्लियस के पास, एक्चुअली s जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस के पास वो न्यूक्लियस उसको बहुत तेज पकड़ के रखेगा क्योंकि s सबसे पहले होता है, स्फेरिकल होता है, है ना। तो वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है तो न्यूक्लियस उसको बहुत जोर से बाइंड करके रखेगा तो उसको टूटने ही नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ड्यूरिंग रेजोनेंस, इस कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में क्या दिख रहा है मुझे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इंस्टेड ऑफ sp3। अब क्या करें भाई, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गई तो क्या हुआ, s कैरेक्टर बढ़ गया, है ना, 25% से ये s कैरेक्टर हो जाएगा 33.3 है, इतना आ जाएगा 33.3%, 100 को डिवाइड कर दो 3 से, है ना, 33 point something आएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दूसरा रीजन क्या हो गया कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ, मैं दूसरा न्यूक्लियोफाइल आसानी से नहीं लगा पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, है ना, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई जो कि 33.3% s कैरेक्टर को ला गया। अगर मेरे पास s कैरेक्टर बढ़ गया तो न्यूक्लियस उसको बहुत तेजी से बाइंड करके रखेगा और बॉन्ड टूटना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना, इतना ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं sp3 देखूं sp2 देखूं तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखेगा, न्यूक्लियस उसको s ऑर्बिटल जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा आपके अंदर s कैरेक्टर होगा उतना आप न्यूक्लियस के पास होगे और मुझे तोड़ने में उतनी ही हाई एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे बॉन्डिंग के लिए भाई, निकलना ही नहीं चाहोगे आप क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा s कैरेक्टर है, आप न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास हो।
ठीक है, तो सेकेंड रीजन तो क्या हो गया हमारे पास, ड्यू टू ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर व्हिच मेक्स इट हाईली एनर्जेटिक एज वेल एज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन व्हिच वी हैव मोर एस कैरेक्टर. इफ वी हैव मोर एस कैरेक्टर तो देयर इज अ द न्यूक्लियस विल बाइंड दैट एस कैरेक्टर वेरी स्ट्रांगली एंड इट इज ऑल्सो अनेबल टू ब्रेक दैट बॉन्ड. मतलब इसके लिए भी मुझे हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना ही पड़ेगा. मतलब अब मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे ना यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, इस वजह से मुझे बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है. तीसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लेते हैं मैंने इस बेंजीन रिंग से क्लोरीन को हटा दिया, ठीक है, अगर मैं बेंजीन रिंग से क्लोरीन को हटा दूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, केटायन, विच वी कॉल इट एज अ फिनाइल केटायन. क्या बना हमारे पास, एक फिनाइल केटायन. अब मुझे सोच के बताओ क्या ये फिनाइल केटायन क्या एक डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है? किसी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है? डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना. देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना ज्यादा s परसेंटेज बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और यहाँ पे तो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा. मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, लेकिन अगर क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ तो प्लस आएगा, और प्लस मतलब आपको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं ताकि आप इसे स्टेबल बनाओगे. लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी के बजाय मुझे अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है. तो थर्ड रीजन क्या हो गया कि जो फिनाइल केटायन बनेगा दैट विल बी हाईली अनस्टेबल. पेपर में आपसे तीन रीजंस पूछे जाते हैं व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्लोरोबेंजीन इज नॉट पॉसिबल और इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी. तो आपका फर्स्ट रीजन क्या हो गया, ड्यूरिंग रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन व्हिच मेक्स इट हाईली अनस्टेबल और व्हिच मेक्स इट हाईली स्टेबल, है ना. तो उसको तोड़ने के लिए मुझे हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है. नेक्स्ट रीजन क्या हो गया कि अगर मैं फिनाइल को निकाल दूंगी तो मेरा फिनाइल केटायन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल. थर्ड रीजन क्या हो गया, देयर इज अ कन्वर्जन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू sp2 हाइब्रिडाइजेशन व्हिच अगेन मेक्स इट हाईली स्टेबल बॉन्ड, है ना. sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई. अब इट रिक्वायर्स वेरी हाई एनर्जी टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है. तो मेरे पास तीन रीजंस आ गए, वैलिड रीजंस जो मैं समझ सकती हूँ आसानी से कि क्यों इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मुझे इतना हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है, ठीक है. तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तीनों रीजन को लाइन वाइज लिखते हैं. डन बेटा, 1 2 3 4 गो. ओके, सो चलो अब हम तीनों रीजंस को अच्छे से लिखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, ठीक है. जो मैंने आपको समझाया बस वही रीजन आपको ध्यान रखने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही रीजन वैलिड है, ठीक है. चलो फर्स्ट रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन था देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन. तो ये फर्स्ट रीजन हो गया व्हिच मेक्स इट हाईली अनस्टेबल, व्हिच मेक्स इट हाईली स्टेबल. तो इसकी वजह से आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी. फर्स्ट आपको लिखना क्या है, द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हाईली एनर्जेटिक, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी. व्हाई, बिकॉज देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन ड्यूरिंग रेजोनेंस, ठीक है, ड्यूरिंग रेजोनेंस. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन विच s कैरेक्टर इंक्रीजेस, s कैरेक्टर
इंक्रीजेस एंड बॉन्ड इज नॉट इजी, बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट इजी नाउ, नॉट इजी. ओके, थर्ड पॉइंट क्या हो गया? देयर इज फिनाइल केटायन फॉर्मेशन, और सिंपल लिख सकते हो आप फिनाइल केटायन इज हाईली अनस्टेबल. फिनाइल केटायन इज हाईली अनस्टेबल. ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे रीजन. ठीक है, ये हो गए हमारे पास तीन वैलिड रीजन जो हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब चलो हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, डन. ओके, तो अब देखो, अब हम देखते हैं कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके लिए मुझे टेम्परेचर ज्यादा नहीं देना पड़े, तो हम ऐसा क्या करें? तो हमने देखा कि अगर जैसे मुझे क्या करना है, इस क्लोरीन से जैसे ही मैं NaOH डालती हूँ 673 केल्विन मुझे डालना पड़ रहा है टेम्परेचर, और उसके बाद मुझे मिल रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, दूसरी बारी में क्या हुआ कि अगर मैंने इसमें एक NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो मुझे ना टेम्परेचर कम देना पड़ा, 473 देना पड़ा, थोड़ा कम हो गया टेम्परेचर. ठीक है, और अगर मैंने इसके अंदर तीन तीन जगह NO2 डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, तीन तीन जगह NO2, ऑर्थो और पैरा पे सब जगह पे मैंने क्या डाल दिया, NO2 डाल दिया. ठीक है, और फिर मैंने क्या देखा कि अब मैं NaOH डाल रही हूँ तो मुझे टेम्परेचर अब बहुत कम देना पड़ रहा है, 273 केल्विन हो गया भाई अप्रोक्सीमेटली. ओके, तो मेरा जो टेम्परेचर था वो और ज्यादा कम हो गया. तो आखिर ऐसा हुआ क्या, NO2 के डालने से ऐसा क्या हो गया? अब हमें थोड़ा जरिया देखना पड़ेगा ना, हर बारी हाई टेम्परेचर तो नहीं दे सकते भाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे भाई रिएक्शन पता नहीं क्या हो जाए, है ना, तो हम कुछ ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ लेंगे. तो हमने क्या देखा, जब हमने NO2 को लगाया ना पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पैरा पे कंप्लीट लगाया, तो हमने देखा कि हमें टेम्परेचर कम लगाना पड़ा और ये कन्वर्जन आराम से हो गया. तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? पहली बात हमने क्या देखी कि रेजोनेंस में हमें मुश्किल किस बात की आ रही थी कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी, है ना, बहुत ज्यादा कैरेक्टर आ रहा था. तो अगर मैं किसी तरीके से उस कैरेक्टर को कम कर दूं, अगर मैं किसी भी तरीके से उस डबल बॉन्ड को आने ही ना दूं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाया, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. पहचानना बहुत आसान है, ये नाइट्रोजन, इसके साथ में लगे हैं दो दो ऑक्सीजन. अगर ये दो दो ऑक्सीजन लगे हैं, मुझे पता है ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो वो खींचेंगे, नाइट्रोजन से खींचेंगे तो नाइट्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, रिंग से खींचेगा, इसीलिए क्या दिखाएगा, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, है ना. तो ये क्या करेगा, इस ये रिंग से ना इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा अपनी तरफ, ये रिंग से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा. अगर ये खींच लेगा तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, अब नहीं रहेगा. अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहेगा तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतना आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, है कि नहीं. और अगर मैं ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे लगा दूं, क्योंकि मुझे पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना आप क्लोरीन के से पास लगाओगे उतना ही होगा क्या, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बड़ी जोर जोर से खींचेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत कम हो जाएगी और इसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही नहीं, इसलिए हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा और हमारा रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, हमारा रिएक्शन कम टेम्परेचर में हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजी करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रोवाइड अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप.
अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बेंजीन रिंग में लगा दूं तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा और उसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बहुत सारे आते हैं, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल और इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। सो फर्स्ट रीजन इज व्हाट, फिनाइल कैटायन फॉर्मेशन। सेकेंड रीजन इज व्हाट, there is a partial double bond character. Third reason is what? There is a sp2 hybridization. That means more s character, more electron density. Yes, so there are many reasons. Yes, and if I have to avoid this, agar mujhe temperature ko kam karna pade to main kya karu? So I need one electron withdrawing group. And this is highly electron withdrawing group kyunki iske paas nitrogen hai, uske beech mein do do oxygen lage hain. To ye do do oxygen isse itni electron density khichenge ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन छोड़ के चला जाएगा और OH फटाफट जाके लग जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल एक्चुअली मैं क्लैरिफाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में, जिसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर विच हेलोएरीन्स। ठीक है, तो चलो, ओके, थैंक यू।